तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू मकबैन वीडियो। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है सोलो वीडियो, क्योंकि पायल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मेरे को राइस और ये कटहल खाना था, जिसके वजह से आज मैं ही अकेले आपको दिखूंगी यहाँ पे। एंड आई नो आपको बड़ा मजा आता है मेरी वीडियो देखने में। गाइस आज मैंने बनाया है कटहल की सब्जी अपने देसी स्टाइल में, साथ में बनाया है राइस, थोड़ी सी है तड़का दाल नॉर्मल मूंग मसूर वाली जो कि मैंने डुगू के लिए बनाई थी, थोड़े से अपने लिए भी ले ली। साथ में है सैलड, हरी मिर्ची लाना मैं भूल गई हूँ, और साथ में भाई छाछ बहुत ही अमेजिंग मिंट वाली और धनिया वाली। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो मैं बना के आप लोगों को दे दूंगी, और अगर आपको कटहल की रेसिपी चाहिए तो वो आपको मिलेगी यशल्स की रसोई पे। तो उसको सब्सक्राइब करना और देखना ना भूले वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इस बिना किसी देरी के भाई जल्दी से शूट कर लेते हैं वीडियो भी और जल्दी से खाना खा लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पहले लस्सी पी रही थी, बहुत प्यास लगी, क्योंकि लस्सी तो कमाल की बन रही है, फिलहाल सजावट बहुत हो गई भाई। गाइस आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी है, बताती हूँ अभी, पहले अपना ये वाला प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं ना भाई। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं अभी तो, बहुत सालों के बाद मैं कटहल खा रही हूँ, क्योंकि डुग्गू खाते नहीं है ना। बहुत बढ़िया बना है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा बना है। दाल के साथ ट्राई करेंगे। नौशु भी ये तो बच्चे नहीं शूट करने देते यार घर में। सिंपल जीरा दाल है एकदम तड़का वाली, बहुत गर्म हो रही है। देसी घी और जीरे के छौंके के साथ बनाई है, बहुत ही बढ़िया। गाय कुछ लोग बोलते हैं कि खुद ही बनाते हो, खुद ही तारीफें करते हो, तो मैं आपको एक जीवन का मंत्र बता दूं, खुद ही की तारीफ खुद ही करो, ठीक है? आपको पता है कि आपने अच्छा बनाया, तो खुद कभी कभी खुद को भी अप्रिशिएशन दिया करो। किसी का वेट क्यों करना कि कोई आएगा और हमारी तारीफ करेगा। ये देखो भाई हरी मिर्ची जो लंबी लंबी डाली हुई है। बहुत ही बेहतरीन डिनर, जो भी नो। और मुझे पता है आप लोग पायल को मिस कर रहे होंगे, बट उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी, तो आप एक दो दिन शायद मेरे को देखो, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में वो आ भी जाए, होपफुली। नमस्ते भाई, जो भी बदतमीजी नहीं करते।
तूने बहुत परेशान कर रखा है भाई, शूट नहीं करने दे रहे आज बिल्कुल भी। छाट तो पानी पड़ेगी भाई, तभी मजा आएगा। ओहो अब आएगा मजा। आए हाय पायल एक्चुअली अंदर है साहिब के साथ, इसलिए शुभ यहाँ पे रो रही थी तो मैंने भेज दिया अंदर दोनों को। गर्मियों में बंदे को बस छाछ मिल जाए। क्या ही बात हो। बचपन में मुझे मट्ठा छाछ पीने से ना एलर्जी थी, मतलब मुझे नहीं पीना ऐसा, बट अब इतना टेस्टी लगता है ना कि क्या बताऊँ। ऐसा लगता है अगर दही और छाछ नहीं लिया ना तो खाना ही अधूरा है। इतना बढ़िया पका है ना कटहल, मस्त मिक्स हो गया है। मुझे खड़ा खड़ा रहता ना वरना मज़ा नहीं आता उसमें। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये लग रहा होगा कि मैं कटहल के साथ चावल खा रही हूँ, बट बहुत सारी जगहों में ये कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है। थोड़ी सी सब्ज़ी मुझे निकालनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं खाना मुझे अभी, ये थोड़ा हैवी हो रहा है सो
क्योंकि मैंने दाल भी ले ली, छाछ भी ले लिया, अब उसको खाएंगे बढ़िया तरीके से। वैसे आज के खाने के साथ ना हरी मिर्ची की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मिर्ची प्रॉपर है खाने में। तो भाई आज का हमारा मकबैन हो चुका है ख़त्म, और इतने बढ़िया मज़ा आया ना मेरे को खाना खाने में, क्या बताऊँ मैं। ऐसे ही मैंने बंद किया हुआ है आज, क्योंकि पहले से डुगुने से चला दिया था, और मैंने खुद उनको बोला कि प्लीज़ बंद कर दो, कोई बात नहीं, ऐसी मैं बढ़िया तरीके से शूट करती हूँ वीडियो। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि एक बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। बैड न्यूज़ ये है कि अभी जो आने वाला खाना है ना, आने वाली जो मील्स आएंगी हमारी, आने वाली जो वीडियोज़ आएंगी, उसमें खाना आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा, और मैं होप करती हूँ कि वो आप वीडियोस आप पसंद करोगे देखना, आपको मज़ा आएगा उनके साथ भी, कुछ अलग रहेगा, कुछ हेल्दी रहेगा, आई होप आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। तो गाइज ये थोड़ी सी एक आई थिंक बैड न्यूज़ हो सकती है शायद, बाकी मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगी, आपको वीडियोस आती रहेंगी तो पता लगता रहेगा। फिलहाल मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताना बिल्कुल मत भूलना कि किस किस के घर में कटहल बनता है, और किस किस को कटहल पसंद है, और किस किस के घर में कटहल के साथ चावल खाना पसंद करते हैं, क्योंकि थोड़े रेयर केसेस वाले लोग होते हैं। बाकी नॉर्मली कटहल के साथ पूरी का ज़्यादा कॉम्बिनेशन चलता है, पूरी पराठा या फिर और क्या क्या कॉम्बिनेशन खाए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना गाइज। मैंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और डुगू की तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो पूरा आज मैंने इसकी रेसिपी भी शूट की है और मकबन भी शूट किया है, तो बस जी भर के प्यार चाहिए मुझे इस वीडियो पे, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए मस्त मस्त रेसिपीज़ और वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई लव यू सो मच। और फाइनली हमारे यशस मकबैन पे 40K कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।